हेलो सुपर पेरेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे छोटे बच्चे जिन लोगों को लिखना नहीं आता है और हम पेरेंट्स जिनको लिखाना स्टार्ट करवा रहे हैं या फिर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं राइटिंग इंक्रीज करने में और कैसे हम लोग इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं उन लोगों को राइटिंग में। अभी बच्चे 1.5 इयर्स के होते ही हम लोग उन लोगों को प्ले स्कूल में डालना शुरू कर देते हैं ताकि उन लोगों को इंट्रोड्यूस करवा सके हम लोग कि कैसे राइटिंग करना है और मिलजुल सके दूसरे बच्चों के साथ ताकि वो लोग सोशलाइजेशन सीख सके। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग घर पे भी प्रैक्टिस करवाते हैं उन लोगों को, लेकिन इस पैंडेमिक में ऐसी हालत हो गई है कि हम लोग सबसे छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, तो इस टाइम में हम लोग बच्चों को घर पे ही प्रैक्टिस करवाना शुरू करेंगे। कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है कि पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए। वो है, पहले ही हम लोग बच्चों को पेंसिल नहीं पकड़ाएंगे, पहले उन लोगों को क्रेयॉन पकड़ाएंगे। क्रेयॉन का थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता है तो उसको होल्ड करने में दिक्कत नहीं होती है बच्चों को। क्रेयॉन बहुत कलरफुल होता है तो बच्चों का मन लगा रहता है क्योंकि उन लोगों को कलर बहुत पसंद होता है। सेकेंडली, उन लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बच्चे जैसे भी क्रेयॉन को पकड़े, ऐसे पकड़े, ऐसे पकड़े, जो भी अजीब तरीके से पकड़े, उन लोगों को क्रेयॉन पकड़ रहा है इसीलिए अप्रिशिएट करना पड़ेगा। नाइस, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अगर हम लोग ऐसे अप्रिशिएट कराएंगे तो वो लोग का इंटरेस्ट लगा रहेगा और वो लोग करना चाहेंगे, ज्यादा ज्यादा करना चाहेंगे। नंबर थ्री, मुझे जो लगता है कि पेरेंट्स को पहले शीट दे देना है या फिर न्यूज़पेपर दे देना है, उसमें स्क्रिबल करवानी है। पहले स्क्रिबलिंग से ही बच्चे का हैंडराइटिंग आता है, तो स्क्रिबल करने के टाइम आप हमेशा बोलते रहिए अप डाउन, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड। ये बात को अगर आप रिदमिक वे में बोलोगे तो उन लोग वो लोग कान में भी सुनेंगे और जब सुनेंगे तो उन लोगों को अच्छा लगेगा, उन लोगों को लगेगा कि मम्मा राइम कर रही है या फिर आप इनोवेटिव तरीके से इस अप डाउन और साइड बाय साइड को एक रिदम दे सकते हो। तो ये रिदम अगर देके आप करोगे तो बच्चे का इंटरेस्ट लगा रहेगा। नंबर फोर है, अगर आप बच्चों को क्रेयॉन दे रहे हो तो बच्चे क्या करते हैं, दीवार पे, वॉल्स पे स्क्रिबल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट पेपर्स या फिर कोई भी व्हाइट पेपर लेके दीवार पे, वॉल्स पे चिपकाना पड़ेगा। अगर आप उसको चिपका दोगे तो बच्चे खड़े होके भी उसको स्क्रिबल करना आएगा। अगर वो खड़े होके भी स्क्रिबल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसका ग्रिपिंग आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रिपिंग आना बहुत जरूरी है। इसके बाद जो बोलना चाहती हूँ, बच्चे को जब ग्रिपिंग आ जाए, जैसे भी ग्रिपिंग आए, मतलब जो भी तरीके से वो लोग पकड़े उसको ग्रिपिंग आ जाए, इसके बाद आप उसके हैंड को होल्ड करोगे। अभी कोई कोई पेरेंट्स बोलेंगे कि हैंड को होल्ड करना तो अच्छी बात नहीं है, वो लोग कभी भी अपने आप से लिखना चालू नहीं करेंगे, हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। नहीं, मुझे लगता है कि भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग भरोसा दिलाएंगे बच्चों को, देखो बेटा आप नहीं कर रहे हो, मम्मा कर रही है, मम्मा को थोड़ा सिखा दो तो कैसे करते हैं, देखो ये ए है, देखो ये स्टैंडिंग लाइन है, देखो ये स्लीपिंग लाइन है, देखो ये स्लैंटिंग लाइन है, अगर हम लोग ऐसे उनको बोलते रहेंगे और उसका हाथ पकड़ के करवाते रहेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका इसका ही सेकेंड प्रोसेस है कि आप फिंगर के बदले थोड़ा पीछे पकड़ो। कुछ दिन बाद जब वो होल्ड करना आ जाएगा उसको, तब आप फिंगर से थोड़ा थोड़ा करके हैंड को थोड़ा पीछे पकड़ो, हैंड के इस हिस्से में पकड़ो। अगर आप इस हिस्से में हैंड को होल्ड करते हो तो बच्चे क्या करेंगे ना, फिंगर के ऊपर जोर देना स्टार्ट करेंगे और उन लोगों के फिंगर का मूवमेंट आएगा। हम लोग जब लिखते हैं, ये थ्री फिंगर्स यूज करके लिखते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, फिंगर को मूव करते हैं, रिस्ट को जितना मूव करते हैं इससे ज्यादा फिंगर को मूव करते हैं और इस जगह को हम लोग फिक्स्ड करते हैं, ठीक है, टेबल में या फिर जिसके ऊपर भी लिख रहा है फिक्स्ड करते हैं। तो फिक्स्ड करके हम लोग फिंगर का मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट उसको आएगा अगर आप इस जगह पे हैंड पकड़ोगे। इसके बाद जब उसको मूवमेंट करना थोड़ा थोड़ा आ जाए, तब आप क्या करोगे, रिस्ट में पकड़ोगे। और ये सिर्फ इसीलिए है कि आप बच्चों को भरोसा दिला रहे हो कि मैं भी हूं बेटा, मैं भी आपके साथ हूं, आप भी कर रहे हो, मम्मा भी कर रही है। तो ये भरोसा उसके लिए बहुत जरूरी है। बच्चे डिपेंड करना चाहते हैं किसी के ऊपर, और मम्मा के ऊपर डिपेंडिंग वो पहले से ही है। तो राइटिंग में भी उनको अगर डिपेंड करते हैं हम लोग पहले, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आदत छुड़वाते हैं तो वो लोग जल्दी सीखते हैं। इसके बाद
जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है वो है कि आप कभी भी जमीन पे रख के या फिर फ्लोर पे रख के कभी भी उसको राइटिंग मत करवाओ। जब भी राइटिंग करवाओ कोई थोड़ा ऊंचा टेबल या थोड़ा कोई ऊंचा सरफेस के ऊपर करवाने की कोशिश करो। अपना जो हाइट है उसके हिसाब से ही, बच्चे के हाइट के हिसाब से सामने एक टेबल रखने की कोशिश करो और उसके ऊपर लिखवाने की कोशिश करो। उससे क्या होगा, इस जगह पे हम लोग जो होल्ड करते हैं टेबल को, उसको टेबल होल्ड करना आएगा और वो बहुत जल्दी से सीखेगा। इसके बाद जो है बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को या फिर पेज को थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके लिखते हैं। हम लोग भी लिखते हैं टेढ़ा करके, लेकिन हम लोगों को तब तक ग्रिपिंग आ गया है और तब तक पता चल गया है कि कैसे लिखने से वो लाइन सीधे जाएगा, लेकिन बच्चों को ये मालूम नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को या फिर टेढ़ा करने देते हैं पूरा, या फिर सीधा करके बोलते हैं कि बेटा सीधा करके रखो और करो। अगर आप पूरा पूरा सीधा करके कॉपी को दोगे या फिर पेज को दोगे तो वो लोग कभी भी राइटिंग, हम लोग ऐसे राइटिंग नहीं कर सकते हैं। आप भी फॉलो कीजिएगा, जब आप राइटिंग करते हो आप ऐसे राइटिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसीलिए आपको थोड़ा सा उसको मदद करनी पड़ेगी कि वो कैसे अपनी राइटिंग को इंक्रीज कर सके। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जो भी बना रहा है, कॉपी को थोड़ा सा बेंड करके दीजिए। इस पोजीशन पे ना रखे, थोड़ा सा इस पोजीशन पे रखिए, तो क्या होगा, बच्चे को लिखना जल्दी आएगा। और पहले ही उनको लाइन मेंटेन करवाना मत सिखाइए, पहले व्हाइट पेज दे दीजिए, उनको स्क्रिबल करना है फर्स्ट, उसके बाद वो लोग को बाउंड्री कर दीजिए, जैसे कि स्क्वायर या फिर सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, उसके अंदर वो स्क्रिबल करेगा। इसके बाद आएगा आप लेटर्स इंट्रोड्यूस करना। पहले ही बेटा लेटर्स सीख लो, ऐसे नहीं होता है, पहले वो लोग लेटर्स नहीं सीख सकते हैं। जब उसको क्रेयॉन करना अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद आप बच्चों को क्रेयॉन से ही अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करवाइए। और इंट्रोड्यूस के पहले, राइटिंग इंट्रोड्यूस के पहले, पहले आपको क्या करना है, पिक्चर्स इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी। कोई भी मार्केट में बहुत सारे बुक्स मिलते हैं जिसमें एक ही पेज में एक या फिर दो लेटर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक पेज में अगर ज्यादा लेटर्स होंगे, ए बी सी डी अगर पूरा हो जाएगा, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है देखने में, क्योंकि उन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो है, कॉन्सेंट्रेशन स्पैन बहुत ही कम होता है। ये स्पैन को हम लोगों को बढ़ाना है, हम लोग उसको उसके ऊपर बाद में प्रोसेस करेंगे, लेकिन पहले क्या नहीं, उनको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि कौन से लेटर को वो पहचान रहे हैं। लेकिन एक ही पेज में अगर बहुत ज्यादा लेटर्स हो जाएंगे तो वो लोग नहीं पहचान पाएंगे और वो लोग कंफ्यूज होंगे। इसीलिए एक ही पेज में अगर एक या दो लेटर्स हो तो ये देखो ए, ये है बी, उसको देखना आना चाहिए, उसके दिमाग में पिक्चर होना चाहिए कि ए कैसे बनता है, बी कैसे बनता है। इसके बाद हम लोग लिखाना स्टार्ट करेंगे। पिक्चर इंट्रोड्यूस करना सबसे पहले जरूरी है। लेटर का पिक्चर इंट्रोड्यूस हो गया, इसके बाद वो लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। और आप एक बड़ा करके लिख के दोगे, उसके बाद वो छोटा करके लिखेगा। ये सब पॉइंट्स अगर आप याद रखो तो मुझे लगता है कि बच्चे का स्टेप बाय स्टेप जो राइटिंग का प्रोसेस है वो चलता जाएगा और उनका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा होता जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ये वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगी, तब तक गुड बाय।